बिहार के मुख्यमंत्री ने आज आर ब्लॉक को दीघा से जोड़ने वाले 6 लेन सड़क का उद्घाटन किया। इस सड़क को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल पथ रखा गया है। आज से इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। ये सड़क आर ब्लॉक से दीघा तक बनाया गया है, जिससे पटना वासियों को दीघा की तरफ जाने या उत्तर बिहार से पटना आने वाले लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। उद्घाटन के दौरान बिहार के दोनों डिप्टी सीएम के साथ ही बिहार के कई मंत्री मौजूद थे। सीएम ने कहा कि बिहार में सड़कों का जाल बिछ रहा है और बिहार के किसी कोने से महज 6 घंटे में राजधानी पहुंचा जा सकता है। हालांकि इस दौरान बिहार में बढ़ते क्राइम पर जब पत्रकारों ने सीएम से सवाल किया तो उन्होंने क्राइम के मामलों में बिहार को 3रे नंबर पर बताया। रुपेश हत्याकांड के आरोपियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। साथ अपराध की तुलना मत करिए, अपराध पर जितनी कार्रवाई हो रही है इसको भी भूलिए मत। और ये दुखद है कि किसी की हत्या होती है और आप जान लीजिए कि हत्या का कोई ना कोई कारण तो होता ही है और उसी को पुलिस लगती है पूरे तरफ से इन्वेस्टिगेट करने में और उसके बाद उस सही आदमी को जो अपराधी है उसको पकड़ लेती है। तो अभी जो घटना घटी है उस पर जिस तरह से काम हो रहा है, जैसे ही घटना घटी है हमने खुद डीजीपी से पूछा और बात किया, ये लोग स्पेशल टीम बना करके देख रहे हैं। लेकिन आप जान लीजिए ये किसी से परमिशन लेकर के करता है और आपको किसी को मालूम है? अगर मालूम है तो बताइए प्लीज। अगर कहीं से भी पता चले कि किसका मर्डर किसने किया, आपको अगर कहीं से कोई संदेह और कोई अब मिलता है तो बताना चाहिए ना। लेकिन नहीं नहीं, ये सवाल आपका सवाल बिल्कुल गलत है, आपका सवाल अनुपयुक्त है। मैं कह रहा हूँ और अच्छी तरह जान लीजिए कि आप इस तरह से पुलिस को डिमोरलाइज मत करिए और पुलिस पूरे तरह से काम कर रही है और जो भी पुलिस वाला अगर अपने काम को नहीं निभाता है उस पर भी कार्रवाई होती है। आप जरा गौर करके देख लीजिए पहले क्या होता था। हम आप ही से पूछते हैं क्या था 2005 के पहले, क्या था, कितना हिंसा, कितना अपराध किस तरह से होता था। आज वो स्थिति है, आज वो स्थिति है। पूरे बिहार पूरे देश का हर साल का फिगर प्रकाशित होता है अपराध के आंकड़े का। बिहार अपराध के मामलों में 23रे नंबर पर है। लेकिन एक एक चीज फिर भी दुख होता है, अगर कहीं किसी की हत्या हो यह दुखद है। और आप जानते हैं हत्या करने वाले पर कितनी कार्रवाई होती है और उसके लिए कानून बना हुआ है और कोर्ट से भी उनको होगा और इसके बारे में पूरी जानकारी इस पूरा पुलिस कर रहा है और जाएगा और इसका स्पीडी ट्रायल कराने का इंतजाम किया जाएगा ताकि जो इसके लिए जिम्मेवार होगा, जो भी इसका लिए अपराधी होगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई तत्काल हो। लाइव इंडिया के लिए सन्नी कुमार की रिपोर्ट।